नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर बाराबंकी से है। प्राइम न्यूज 24 पर चली खबर का असर, मृतक किसान को न्याय दिलाने पहुंच रहे माननीय। गत 13 नवंबर शाम को सुबेहा थाना के बलीगिरामा गांव निवासी प्रदीप सिंह किसान की धान के खेत में पराली जलाने को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल राजेंद्र यादव की प्रताड़ना से सदमे में हुई मौत के मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष बाराबंकी अशोक कुमार सिंह सख्त हुए हैं। उन्होंने सोमवार को अपने दल बल के साथ मृतक किसान के घर पहुंचकर परिवारजन को ढांढस बंधाया है। साथ ही में मौत के जिम्मेदार दोषी लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए उच्च स्तरीय जाँच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजने की बात कही है। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि किसान का धान समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है और किसान 800 से 1000 रुपया प्रति क्विंटल धान बेचने पर विवश हो रहे हैं। वहीं पर नौकर साह पराली जलाने के नाम पर किसानों से वसूली कर रहे हैं, पैसा नहीं देने पर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। किसानों के पराली को डिस्पोजल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके तहत पराली को खेतों में नष्ट करवाना चाहिए, न कि किसान का उत्पीड़न किया जाए। कहा कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, इसलिए आज ही मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करवाऊंगा। इस अवसर पर सपा नेता राजू सिंह अयूब कुरैसी, जिला पंचायत सदस्य गिरजा रावत, ओपी यादव, पंकज यादव, नदीम मौलाना हाफिज, महेंद्र सिंह, राकेश सिंह, राज लल्लन रानू आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मध्यांचल ब्यूरो के साथ बाराबंकी से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।